Welcome to KMA. Thank you. KMA में आपका स्वागत है. Formality कर रहे हैं या दिल से स्वागत कर रहे हैं? दिल तो हमारे पास रहा नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या कहता है आपका दिमाग? अभी ये कहता है कि आपको केमे से रूबरू कराया जाए. श्री राम जय राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान. हे बजरंग बली, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, हमरे भी काज सवार दो भगवान. जिसने भी हमारी हनुमान चालीसा चुराई होगी ना, उसे हवा में घुमा घुमा के फेंक दो 100 योजन दूर. मल्ला के डाकू डेडी अगर जेल से निकल के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए और हम वहां नहीं मिले, मेरा तो पूरा का पूरा प्लान आउट ऑफ ट्यून हो जाएगा. ये मतलब ये वो मतलब क्या है? ये वो छोड़ो, प्रसाद लो और हमारे साथ बोलो. बजरंग बली का बोलबाला, बजरंग बली का बोलबाला, चोर का हो मुंह काला, चोर का हो मुंह काला. वही सो डूड. अरे हम तो केवल मुंह काला कर रहे हैं, रिवाज तो ये है मुंह काला करके खच्चर पे बिठाते हैं. अरे चोरी किसी की भलाई के लिए हो तो ठीक है, हनुमान चालीसा की चोरी, इससे बड़ा घोर पाप महापाप हो ही नहीं सकता. पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी हनुमान बुकलेट की चोरी हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं मिसप्लेस व्हाट डू यू कॉल इट इधर उधर खो गई हो, है ना? अरे कोई खो नहीं गई है, कोई बहुत बड़ा भड़िया है, हम बता रहे हैं. बढ़िया वर्ड? बढ़िया मतलब चोर. कहाँ थे रवि भैया? You okay, dude? I'm okay, I'm okay. He's okay, he's okay. ये क्या है रवि? Love, मोहब्बत, प्यार. मुझे प्यार हो गया पीटर. अरे फिर से? हाँ, इस साल 8वीं और आखिरी बार. अच्छा एक बात बताइए, हाँ. ये प्यार है या मौसमी बुखार? हर दूसरे दिन हो जाता है. By the way, इस बार one lucky, what you call it? बदनसीब लकी का नाम खबरदार. उसके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा. कोई भी नहीं बोलेगा. उसका नाम है एसडी, यानी कि शोना दास. रमी भैया होश में आइए. वो जा चुकी हैं. नहीं मल्ला, वो आ चुकी, वापस आ चुकी है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए. अदाए बॉस. अरे वो यहाँ हमें वॉरफेयर साइकोलॉजी सिखाने आई है. अरे माइंड गेम्स, ये ट्रेनिंग है या कोई कॉमेडी फिल्म? अरे हथियार चलाना सिखाओ, बम से उड़ाना सिखाओ, ये साइको की साइकिल क्यों चलवा रहे हैं हम सिपाहियों से? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे अपने दिमाग की स्लेट को क्लियर करो और एक नए नजरिए से देखो. हो सकता है कि वो एक अच्छी इंसान निकले और नया सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा निकले. बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा निकल रहा है. क्या? टूथपेस्ट. अरे हाथी के दांत साफ करने जा रही हो क्या? और एक डायलॉग में तुम्हें कितनी बार समझाऊंगी विद्या कि तुम अपना यूज किया करो टूथपेस्ट. मेरा नहीं. रिलैक्स, सिर्फ टूथपेस्ट ही तो है. तुम चाहो तो कभी भी कहीं भी विद्या की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हो. विद्या बिल्कुल माइंड नहीं करेगी. आखिर दोस्तों में तो ये होता ही रहता है. कट कट कट.
माना कि स्क्रिप्ट में तुम्हारे और मेरे सीन इकट्ठे बहुत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम और मैं दोस्त हैं। बाप रे आकृति, विद्या को तो लगा था तुम्हारा एंगर प्रॉब्लम ठीक हो गया है, लेकिन वो तो अभी तक बैठा हुआ है नाक पे, उछलने के लिए तैयार। अरे यार क्या कर रही हो, विद्या गिर जाएगी। बैठी रहो। यहाँ के वो वाला हिस्सा तुम्हारा और ये वाला हिस्सा मेरा, और अगर ये लाइन तुमने क्रॉस करने की कोशिश भी की तो दुश्मन समझ के उड़ा दूंगी तुम्हें, आई समझ में? अब वहीं पर बैठी रहो और अपने हिस्से में रहो। ठीक है लेकिन कल सुबह जब सफाई होगी तो क्या होगा तुम्हारी एलओसी का आकृति? उस सीन के शॉट की फिक्र तुम मत करो, परमानेंट मार्कर से ऐसी लाइन बनाऊंगी कि कोई साल। लेकिन परमानेंट मार्कर मिलेगा कहाँ से? क्लासरूम से, और कहाँ से? और यह है कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी का क्लासरूम। प्रैक्टिकल्स और ड्रिल्स बाहर होती हैं, थ्योरी क्लासेस यहाँ पर। Can you please hold this? Thank you. You're welcome. So theory or practical, अलग अलग करके रखा है आप लोगों ने। Normally ऐसे ही किया जाता है। ऐसा होता होगा। लेकिन मेरे सिखाने का तरीका अलग है। देखिए हमें लगा नहीं था कि आप सुपरस्टिशियस, इस सब में यकीन रखती होंगी। मैं सिर्फ यकीन में यकीन रखती हूँ कैप्टन, आपके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये साबित हो चुका है कि आप लड़कियों को नहीं समझते। आपको लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अनफेयर है? समझने का मौका तो मिलना चाहिए। फिलहाल तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की जिसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से कोई घायल होकर गिर जाए, उसे हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? Can you please? Sure. ये क्लासरूम है कैप्टन, प्लेस ऑफ लर्निंग। आई एम सॉरी। माफ कर दिया। अब हमें ये गाइडेड टूर यही खत्म कर देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं, मुझे क्लास की तैयारी करनी है। और अगर हम ना जाएं तो? जाना तो आपको होगा कैप्टन, मैं इस बात की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं दे सकती। आखिर मतलब क्या है सबका? प्रकाशन मेजर, मैं सावधानी बरतना चाहता हूँ। आप ही बताइए कि सोना दास आपके साथ आपका लिविंग क्वार्टर क्यों शेयर करना चाहती है? क्योंकि वो जानती है कि आपके रूम में सर्वेलेंस कैमराज नहीं होंगे और वो बड़ी आसानी से हमारी आंखों में धूल झोंक के अपना काम कर सकती है। और वो ये नहीं जानती कि हम आपके रूम में भी ये सर्वेलेंस कैमराज लगा देंगे ताकि हम 24 घंटे उस पर नजर रख सकें। निगरानी सिर्फ सोना दास पर नहीं, मुझ पर भी होने वाली है कैप्टन, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेजर आई रिस्पेक्ट प्राइवेसी, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोना दास अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आप भी बताइए मेजर, आप भी बताइए, कोई आपके साथ रूम क्यों शेयर करना चाहेगा? चाहेगा? क्यों नहीं? Why not? Okay. तो ये सोचते हैं आप मेरे बारे में? कोई खुद मेरे साथ
क्वार्टर शेयर करना क्यों चाहेगा? मैं एक बहुत ही इमोशनलेस इंसान हूँ और शायद बहुत बोरिंग भी। नो, नॉट एट ऑल मेजर, आप तो बिल्कुल बोरिंग नहीं मेजर, आप तो कदापि बोरिंग नहीं मेजर। हमें तो अभी तक वो इंसिडेंट याद है जब आपने टीम कमांडर श्लोक बर्मन को उन्हीं के खेल में मात दे दी थी, ड्रिंक कॉम्पिटिशन। वो तो फीपे खेल लुढ़क गए थे मेजर पर, आप पर तो असर ही नहीं हुआ था। आप तो उसके बाद नाची थी मेजर, आप क्या नाची थी आप? आपको मजा याद है तो सजा भी याद होगी कैप्टन। मेजर मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आपके और सोना दास के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ उसके बावजूद सोना दास आपके साथ आपके लिविंग क्वार्टर में रहना चाहते, कोई तो वजह होगी। All right. I think you have a point. You can go ahead, Captain. Thanks. मरकन मल्ला कहाँ है? कहाँ है मरकन मल्ला? है कौन ये मकरन मल्ला? मकरन नहीं, मरकन मल्ला मेरा पिटवा। ये कहाँ है? ये तो वो केमे वाले कैडेट में से एक है। ये लोग तो चले गए। चले गए कहाँ? केमे और कहाँ? कहाँ है ये केमे? वैसे भी एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के लिए तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। अरे शांत हो जा। तुमको मार कर हम क्या करेंगे? खबर मिली मेरा पिटवा मुसीबत में, यहाँ आया तो कहीं दिखाई नहीं दिया इसलिए खून गरमा गया, तू शांत हो जा। लेकिन ये थीमी थीमी है कहाँ? थीमी नहीं, KMA, कंचनजंगा मिलिट्री एकेडमी। नाम क्या बताया था आपने अपने छोकरे का? गया कहाँ? कहाँ गया? इतनी जल्दी पैक करना पड़ा कि एक रबर बैंड तक नहीं मिल रहा है। पूर्वी, क्या मैं तुम्हारा रबर बैंड बोरो कर सकती हूँ? समझता क्या है खुद को, ऐसे कोई गायब होता है क्या बिना बताए? पूर्वी, रबर बैंड क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो? तैयार नहीं होना है, 10 मिनट में क्लास है हमारी। क्लास तो मैं रमी गौर की लूंगी, अगर एक बार और उसने ऐसी हरकत की ना तो मैं भी दिखा दूंगी कि पूरी बिस्ट क्या कर सकती है। मेरा शौक, तुम तो अकेले में कुछ भी नहीं कर सकती हो। कहाँ गए वो 5 ऑर्डरलीज जो तुम्हारे लिए हर एक चीज लाते थे? एक टाइम था जब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकती थी और आज मेरी घड़ी भी तेज तेज भाग रही है। कम ऑन पूरी, हम बहुत लेट हो रहे हैं, टाइम ही नहीं है। अरे 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 बुक बुक बुक, ये लो, चलो चलो चलो। तुम्हारा ये स्टंट काम नहीं आने वाला, भूल जाओ। काम जरूर करेगा बॉस, तुम बस मेरी आंखों की तरफ देखते रहो, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर सकता हूँ तो फिर मैं इस दुनिया में किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। ठीक है पूरा तुम्हारा ये हिप्नोटिज्म, आगे बढ़ो। अभी जैसे ही मैं तुम्हें हुक्म का गुलाम दिखाऊंगा वैसे ही तुम मेरी गुलाम बन जाओगी और वो सब करोगी जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा, और जब तक मैं तुम्हें हुक्म का इक्का नहीं दिखा देता तो तुम मेरा हुक्म मानती रहोगी। तुम पर मेरे जादू का असर हो रहा है, तुम मेरे वश में आ रही हो और अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूं। वैसे मुझे तुम्हें किस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं टेस्ट कर सकूं कि मेरा ये जादू काम
कर रहा है या नहीं। जादू का तो पता नहीं पर मेरी लात का असर तुम्हारे अगले सीन तक रहने वाला समझे। धोखा। कैप्टन आइए। कैप्टन आइए। तो कैसे रही आपकी रूबरू? चलिए हम आपके सवाल का जवाब ऐसे दे देते हैं कि कल हम एसटी के साथ डेट पर जा रहे हैं। कल? हमने तो आज से उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। वैसे कैप्टन हम आपको चेतावनी दे दें, सिर्फ नजर रखने से कुछ होने वाला नहीं, आंखों में धूल झोंकना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक कह रहे हैं कैप्टन आप। कैप्टन आप बच के रहना, ये ना हो कि मैं खाने खाली हो जाए लेके आप उन्हें जाए पर लेके वो आपको वापस आए। ऐसा नहीं होगा कैप्टन, हमारी 3D थेरेपी याद है ना आपको? डिनर, ड्रिंक्स, डांस, हमेशा काम करती है कैप्टन, सदियों से चलती आ रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड, 100% रिजल्ट्स। ऑल द बेस्ट कैप्टन, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। ए बजरंग बली, हमारी हनुमान चालीसा तो चोरी हो गई पर अब उस चोर को क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल आसान था। नदी में तूफान लाने के लिए एक पत्थर ही काफी था। आई एम सॉरी, मैं नौ के बगैर रूम में आ गई। आपका ये बिना बताए आना और जाना हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे
अरे आपके म्यूजिक सेशन को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हम जानते हैं आपके इरादों से वाकिफ हैं। लेकिन मैं आपके टैलेंट से वाकिफ नहीं थी। आपने बताया नहीं कि आप इतनी अच्छी फ्लूट बजाते हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। क्या जानना चाहते हैं?